आज हम लोग कावासाकी निंजा H2R बाइक को बड़ा बनाने वाले हैं। ये बाइक का साइज आप लोग देख सकते हो। थोड़ी देर के बाद ये बाइक इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तुम लोग कहोगे बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस बाइक को एकदम खतरनाक तरीके से बिगेस्ट बनाने वाले हैं। मतलब कि कई लोग सोच रहे होंगे इस बाइक में बाइकें जोड़ के ऐसी ऐसी करके बाइकें बहुत सारी बाइकें जोड़ के तुम इसको बड़ा कर दोगे, बट नॉट। हम लोग एक सिंगल बाइक बनाने वाले हैं, उसके टायर बहुत ज्यादा बड़े होंगे और वो बाइक चलेगी भी, करने वाले हैं हम लोग। तो जल्दी से गाइस आप लोग देख सकते हो कावासाकी निंजा H2R, जल्दी से इस बाइक पे बैठता हूं और मुझे सबसे पहले इसके पार्ट्स को ढूंढना है जो कि इसके टायर्स हो गए, इसकी बॉडी हो गई और बहुत कुछ। पहले हमको टायर्स ढूंढने हैं जो कि अपने रेलवे स्टेशन पे पड़े हुए हैं, और रेलवे स्टेशन पे चलते हैं जल्दी से टायर्स को ढूंढते हैं। जल्दी से नीचे उतरते हैं और देखते हैं टायर्स कहां पे पड़े हैं। भैंस की टांग इधर आ जा, जल्दी से चलते हैं ऊपर ऊपर, यहां से ऊपर चढ़ 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 चढ़। भाई कैसे चढ़ेगा ये? भाई यहां से मैं चढ़ तो जाता था, कोई तरीका तो था, अब मैं नहीं चढ़ पा रहा, पता नहीं क्यों। आ चढ़ गया, खबर है ब्रो। ये देखो गाइस, ऑल राइट गाइस, तो व्हेन आप लोग देख सकते हो ये है हमारे टायर्स, और जल्दी से इन टायर्स को भी उठाते हैं, लेट्स बिगिन। और इस बाइक की बॉडी मिलने वाली है हमको एक बीच पे, और मैं इस वाली बीच पे आ चुका हूँ, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हमारे सिटी में एक बीच नहीं है भैंस की टांग, यहाँ तो हजारों बीच हैं, जहाँ चले जाओ बीच आ गई ब्रो, बीच आ गई, चलो भाई बीच आ गई। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही। वेट आगे चल, आगे चल, आगे चल भैंस की टेंग, मेरे को कुछ दिखाई दिया अभी। वेट ओ खाली है सब क्या यहाँ पे? ओ सब भाई यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, मतलब कि यहीं पे हो सकता है, मुझे पक्की बात है। जब मैंने फोटो पे देखा था कोई भी एक पेड़ नहीं था। लेट्स बिगिन, थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओ मिल गया मिल गया मिल गया। ऑल राइट गाइस, तो वैन आप लोग देख सकते हो ये देखो पूरी की पूरी बॉडी पड़ी हुई है हमारी बाइक की, और जल्दी से इस बॉडी को भी उठाते हैं लेके चलते हैं। और इस गाड़ी को असेंबल करने के लिए सबसे पहले इंजन की जरूरत पड़ेगी, और इंजन लेकर आते हैं चलो। तो गाइस मेरी बैनी से बात हुई है अभी, तो बैनी ने मुझे कहा है कि इंजन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, बस लेने आओ। और मैंने कहा कहाँ पे, कहा कि ओल्ड हाउस पे आ जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, मैं तुम्हारे ओल्ड हाउस पे आ गया हूँ। मैंने कहा ये बढ़िया किया तुमने, मैंने उसको दो गाली निकाली, पता कितनी, दो गाली निकाली। मैंने कहा भैंस की टेंग साले, तू अपने ओल्ड हाउस पे आ गया तो साले न्यू हाउस में आने में तुम्हारा क्या घटीरिया, क्या कुछ हो रही है तेरे को क्या साले, इससे अच्छा ओल्ड न्यू हाउस पे आ जा, जाके सीधा इंजन उतार दे। नहीं भाई मैं तो अब तुम्हारे ओल्ड हाउस पे आ गया हूँ, आ जाओ भैंस की टेंग, हम तो यही होता है ब्रो, और कुछ नहीं होता, यही होता है। तो गाइज ये है हमारा न्यू हाउस, और यहाँ से अपना ओल्ड हाउस कितना दूर पड़ेगा यार, कुछ मिनट का भी रास्ता नहीं है, सेकंड का रास्ता है, तब भी पता नहीं क्या मौत पड़ रही है इनको आने में, दिमाग खराब हो गया यार, इतना मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा साले ले आता, पैसा ले लेता ज़्यादा, पर नहीं भाई पैसा भी नहीं लेना मेरे को, तो यहीं पे आया। ओके यार देखो भैंस की टेंग, जल्दी से उतरते हैं और लेके साले चाहे घंटा नहीं पूछने वाला। ऑल राइट गाइस, तो व्हेन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पड़ा हुआ है इंजन, और ये इंजन इतना पावरफुल है, बेनी ने मुझे अभी बताया कि अगर तुम इसे बाइक पे लगा दोगे ना तो ये बाइक तुम्हारी अल्ट्रा लेवल चली जाएगी। तो गाइस टायर हो गए, बॉडी हो गई, इंजन भी हो गया, अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, पेट्रोल लेकर आते हैं, चलते हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी में पेट्रोल भी तो बहुत ज्यादा पड़ेगा ब्रो, छोटा मोटा थोड़ा कि ये माल ऐसे ही डाल दिया काम खत्म, नहीं ब्रो, थोड़ा पेट्रोल भी तगड़ा पड़ने वाला है, तभी हम लोग पेट्रोल पंप जा रहे हैं। ए, 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 भाई साहब ये देखो मेरे हाथ में भी कावासाकी H2R, यही जो बाइक है अभी, ये तुमको समझ लो तुम कितनी बड़ी दिखेगी अभी, दुखो तुम, और ये अभी इतना भाग रही है जब जाइंट कावासाकी निंजा H2R। भाई तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्या बात है। अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ओके इन्होंने कहा खुद डाल लो, पैसा दे देना उधर साइड, खुद डालने वाला भी सिस्टम होता क्या बाहर के देश में, देखा था इधर, इधर अपने में तो नहीं है बट होता होगा। चलो गाइस जल्दी से पेट्रोल वगैरह भरते हैं, निकलते हैं। ऑल राइट गाइस, सारा काम हो चुका है, पैसे भी दे दिए, हाँ पर पेट्रोल थोड़ा ज़्यादा महंगा नहीं हो गया यार, ज्यादा हो गया यार। ओके गाइस हम लोग जाने वाले हैं सीधा अपने घर पे, और जल्दी से चलते हैं जाइंट कावासाकी निंजा H2R को बनाते हैं चल के, और दिखाते हैं चल के, और जो माहौल बनेगा ना तो
तौबा तौबा। तो गाइज मैं घर पे आ चुका हूँ, अब जल्दी से जायंट कावासाकी निंजा S2R को बनाने की चालू करते हैं। ठीक है चालू करते हैं, तुम सो चल के, मैं आ रही अभी 2 मिनट रुको, आ रही मैं। तो गाइज गाड़ी तो बन के तैयार हो गई है, वो तो सारा कंप्लीट हो गया, बट थोड़ी टेक्निकल इशू आ गया उसमें, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है चाबी उसमें। ये चाबी तुम क्या सोच रहे हो कि बड़ी वाली चाबी लगेगी, इतनी बड़ी नहीं भाई, चाबी तो उसमें छोटी वाली लगेगी, बट हम लोगों ने उसके ऊपर जो अपना जो फ्रैंकलिन है छोटा वाला वो बैठेगा भी, जायंट फ्रैंकलिन तो नहीं बना सकते भाई, छोटा ही है फ्रैंकलिन बैठेगा, उसके लिए सॉकेट चाबी का अलग लेवल का बनाएंगे। ठीक है तो हम लोग छोटी चाबी ढूंढ रहा हूँ मैं अपने ड्रॉर्स में कि मिल जाए तो काम बन जाए, बट मिली नहीं रही, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ मिली नहीं रही। मैं पीसी का ड्रॉर में नहीं भाई, नीचे नहीं हो सकती, इधर भी नहीं हो सकती, हाँ तिजोरी में देखता हूँ इधर साइड हो सकती है। अरे अरे भैंस की थिंग कहाँ चढ़ रही है यार ये। ऑल राइट गाइज हमको चाबी भी मिल चुकी है, जल्दी से बैठते हैं और फ्रैंकलिन को मजे दिलाते हैं और हम लोग भी मजे करते हैं। ऑल राइट गाइज तो वैन आप लोग देख सकते हो ये है अपनी साइंट कावासाकी निंजा H2R, जिसमें कि एक अपना जो छोटा सा फ्रैंकलिन है वो भी बैठा हुआ। सोच के देखो भाई इतनी बड़ी जायंट गाड़ी में एक छोटा सा बंदा कैसे बैठ सकता है भाई, अगर बैनी है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी भाई। उसने एक छोटा सॉकेट बनाया, उसने छोटा स्टीयरिंग बनाया, सब कुछ बनाया उसने भाई, और हमारा फ्रैंकलिन इस बड़ी वाली बाइक को चलाएगा भी। अब चलाते हैं इस बाइक को और दिखाते हैं गाइज इस बाइक को, थोड़ा तुम सामने से देखो, और ये जो अपनी नीचे एक छोटी सी कावासाकी खड़ी है इसको तुम देखो भाई, दोनों में फर्क देखो, वो इतनी सी और वो भाई अल्ट्रा लेवल के दिमाग खराब हो रहे हैं भाई। अब फ्रैंकलिन इतनी बड़ी जायंट बाइक को चलाएगा और कैसा फील होगा, और हम भी बताएंगे कमेंट्स में, आप बताना। तो गाइस बाइक तो मैंने सड़क पे लगा ली है और फ्रैंकलिन ऊपर बैठा है, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा थ्रॉटल देते हैं। ओ चल रही है ब्रो। तो गाइस आप लोग देख सकते हो फाइनली हम लोगों ने साइंट बाइक चला ली ब्रो, लेट्स बिगिन ब्रो। इतनी बड़ी बाइक को चलाने में एक अलग लेवल का सीन और मजा आ रही है। बैनी ने चीज तो एकदम खतरनाक वाली बना के दी है भाई, और फ्रैंकलिन ने कहा था इसमें एंजन मैंने डाला है बहुत तगड़ा वाला, और क्या हम लोग इस एंजन को खतरनाक तरीके से यूज कर सकते हैं क्या, एक बार गाड़ी का थ्रॉटल थोड़ा तगड़े तरीके से दूं क्या। चलो भाई थोड़ा सा तेज देके देखते हैं। साला ये कितनी जोर भाग रही है ब्रो, भाई इतनी भाई मैंने थोड़ा सा थ्रॉटल ज्यादा दिया ब्रो, इसका इंजन इतना पावरफुल बनाया है, अगर मैं फुल का फुल कर दूं गया भाई ये बाइक भी नहीं बचेगी ना मैं बचूंगा। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली आज कावासाकी निंजा H2R बड़ी इतनी ज्यादा जायंट बाइक चलाई है, और हमारा एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का था, क्योंकि मैंने इतनी जायंट बाइक कभी नहीं चलाई, छोटी चलाई, और इस जायंट बाइक में रिस्क इतने ज्यादा हैं, थोड़ी सी चूक और तुम खत्म। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो जाके चल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, वैन हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो पे, तब तक खेलिए, टाटा बाय।